खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। खाचरोद, गृह मंत्रालय भारत सरकार की मंशा अनुसार पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में खाचरोद में भी थाना प्रभारी अमित सारस्वत द्वारा देश में लागू हुए 3 नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के संबंध में खाचरोद थाना हाल में जनसंवाद किया और सभी को जागरूक किया। थाना प्रभारी के द्वारा नए कानून की विशेषताओं से अवगत कराते हुए बताया गया कि नए कानून को 164 साल पुराने कानूनों से बदलकर भारतीयों की आवश्यकता अनुसार बनाया क्या है। इसमें दंड के स्थान पर न्याय पर अधिक फोकस किया गया है। कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल सुविधाओं जैसे EFIR, Zero FIR, ऑनलाइन समन्स, वारंट, तामिली, नए कानून में फरियादी के अधिकारों, आरोपी के अधिकारों और नए सामाजिक दंड के बारे में अवगत कराया गया। नए कानून को लेकर शासन की सुलभ न्याय, सरल न्याय, आधुनिक न्याय तथा त्वरित न्याय की मंशा से जनता को अवगत कराया गया। साथ ही नए कानून को लेकर नागरिकों के प्रश्नों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण भी किया गया। अगर वो वाकई में अपराध जैसी स्थिति होगी तब तो उसके अपराध करने को मिलाएगा, तो 14 दिन में उसकी जाँच करनी होगी। 14 दिन में जाँच में अगर पाया जाता अपराध है अपराध करने को हो जाएगा और वो असंगे अपराध हुआ। पहले क्या होता था, असंगे अपराध में हम जैसे छोटा मोटा झगड़ा हुआ पीड़े का तो हम आप धीरे धीरे न्यायालय चले जाओ, ठीक। अब ये रिपोर्ट नहीं जाती नहीं थी, लेकिन अब असंगे अपराध की रिपोर्ट हर पक्ष में, मतलब हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट पास करते हैं। FIR की तो तत्काल नियम है, कोई घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पास करवा जाती है, छोटे मोटे विवाद हैं इनकी भी हर 15 दिन में। सर, जिस तरह से नए आपराधिक कानून में बदलाव हुए हैं, किस तरह के बदलाव हैं और पुलिस और आमजन के बीच में किस तरह से सामंजस्य बैठ पाएगा इसमें? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में नवीन आपराधिक कानून की रूपरेखा आजाद के अमृत महोत्सव में जो बनाई गई थी रूपरेखा, आज उसका पूर्णतः क्रियान्वयन हो गया है। 1 जुलाई 2024 को आज नवीन आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। जो IPC पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, इंडियन पेनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को, जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 पढ़ा जाएगा। नवीन आपराधिक कानून में बालकों और महिलाओं को परिभाषित किया गया, इनके विरुद्ध अगर कोई अपराध कर रहा है तो उनके धाराओं में दंड में बढ़ोतरी करी गई है। पहले जो आजीवन कारावास 20% में खत्म हो जाया करता था, सामूहिक बलात्कार हुआ है या कोई अन्य गंभीर अपराध हुआ है तो अब उसकी जब तक वो प्राकृत जीवन काल अपना जी नहीं लेता, मतलब वो अपने अंतिम श्वास तक वो आजीवन कारावास जेल में ही होगा। नवीन आपराधिक कानून में नागरिकों को बहुत सारी सुविधा दी गई है। EFIR की सुविधा जो पहले नागरिक के साथ अपराध किसी अन्य राज्य में या अन्य थाना क्षेत्र में होता था, पुलिस जब उसकी FIR पंजीबंदी कर पाती थी, लेकिन अब उसकी तत्काल EFIR यहाँ पे हो जाएगी, 0 FIR हो जाएगी, तो तत्काल संबंधित थाने को भेज दी जाएगी। 0 FIR का भी प्रावधान किया गया है। गवाह की सुरक्षा स्कीम भी ली गई है। पीड़ित प्रतिकर योजना को भी इसमें लागू किया गया है, जिसमें अगर पीड़ित है तो उसको राशि मिल जाएगी। पहले जो धारा है 427-429 जिसमें कम जुर्माना था और आदमी जो नागरिकों की ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होता था उसका भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अभियोजन में भी अगर किसी नागरिक को लगता है कि वो अपना प्राइवेट वकील नियुक्त कर ले तो धारा 18(8) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वो अपना प्राइवेट वकील भी नियुक्त कर सकता है। बहुत सारे दस्तावेज जो आरोपी और पीड़ित पक्ष न्यायालय के चक्कर काटते थे कि वो मिल नहीं रहे हैं, उनके तत्काल आजकल आवेदन करने पे मिल जाएंगे। और हर चीज़ की में वीडियोग्राफी का प्रावधान है। जो बहुत बार पुलिस को समस्या आती थी कि आप गवाह हमारे पलट रहे हैं या कई अन्य कारण से समझौते कर लिया करते थे, तो उसकी वीडियोग्राफी से भी उसमें पुलिस को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रावधान इसमें बदलेगी? महिलाओं की सुरक्षा के लिए या उनको सहायता करने के लिए इसमें विशेष प्रावधान ये जोड़ा गया है कि महिलाएं अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो थाने आने की आवश्यकता नहीं है, और अपनी किसी भी दृश्य श्रव्य माध्यम जिसमें मोबाइल भी है उसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट देगी। तत्काल पुलिस अधिकारी या जो भी IO है वो तत्काल मौके पे पहुंचेंगे, उनकी अपने परिजनों की उपस्थिति मिल जाएगी। खबर समय जगत के लिए खाचरोद से भूपेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।